आज 27 दिसंबर 2018 के लिए माननीय अदालत ने नोटिस किया था और नोटिस के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से जवाब फाइल किया और जैसे ही जवाब फाइल हुआ उसके तुरंत बाद माननीय अदालत ने आज बहस सुनी थी और बहस सुनने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय अदालत ने ये पाया कि फ्यूचर मेकर कंपनी जो है, जो हमने जो आर्गुमेंट की थी कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उस बात को अदालत ने मद्देनजर रखते हुए आज राधेश्याम की जमानत मंजूर की है। सर, भविष्य में क्या उम्मीद आपको आगे फ्यूचर मेकर कंपनी को लेकर नजर आती है, इसके बारे में बता दीजिए। सर जी, जब भी राधेश्याम से बात हुई है, जब भी कोर्ट में पेश हुए हैं, तो वो कहते हैं बार बार कि हमने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी के साथ कोई हमने धोखा नहीं किया, हमने चीटिंग नहीं की। कंपनी एक बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट सेल कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने बहकावे में आकर कंपनी को डिस्टर्ब करने के लिए झूठी दरखास्तें देकर झूठी एफआईआर करवाई है। जैसे ही ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी तो हम कंपनी का दोबारा से हम किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहते और हम सबको बिल्कुल जो जिसका है वैसे ही, जो कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सभी को हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहते हैं।